हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज थोड़ी व्यस्तता है, व्यस्तता के कारण जो है शाम का लेक्चर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए आपके साथ में आज मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ में आ रहा हूँ। और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है वो आपको या तो लाइव स्ट्रीम में मिलेगा या तो आपको अपलोडेड वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, पर आपका सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूशन में रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, तो उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में होगा, नेशनल कमीशन फॉर एसटी सॉरी एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो लगभग 20-25 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है। 20-25 मिनट तक हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझे एप्लीकेशन पे ही मैसेज भेज देंगे। जो हमारा चैट बॉक्स का जो ऑप्शन आता है, उस चैट बॉक्स में जाकर के आप मुझे एप्लीकेशन में मैसेज भेज देंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी, है ना। जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, कोई स्पेशल लेक्चर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे, तो वो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो भी उपलब्ध करवाऊंगा बना करके वीडियो लेक्चर, राइट। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसके बारे में हम लोग सारी की सारी चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो अब ये इसके लिए हमको थोड़ा सा संविधान को देखना पड़ेगा, है ना। हमको क्या देखना पड़ेगा कि संविधान में इसके लिए कैसी क्या प्रोविजन है, कैसी क्या चीजें हैं, उनको हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम इसको चीजों को समझेंगे। देखिए आप जरा समझिए कि भारत का जो संविधान है, ना, जो भारत का संविधान है ये भाई साहब लोक कल्याण की बात करता है। काहे की बात करता है? ठीक है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहा है ये, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। काहे की बात कर रहा है? ये तो पता है ना भाई कि सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसके लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। ये हमारा संविधान जो है वो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, तो अब लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, तो सामाजिक न्याय और लोक कल्याण होगा कैसे? बात क्या जाती है कि सामाजिक न्याय और लोक कल्याण होगा कैसे, तो इसके लिए कुछ प्रोविजन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हमारे संविधान में कि हमारे देश के नागरिकों को लोक कल्याण और सामाजिक न्याय मिल सके। और इसी पहलू को लागू करने के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल था 338। तो आर्टिकल 338 जो था, अच्छा, अब जब देश आजाद हो रहा था, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आजादी के दौरान हमने हमारे जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे इनको, तो ये जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, इन सुधार आंदोलनों के कारण हमारी जन चेतना और उस समय जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो चेतना थी वो बहुत ज्यादा जागरूक हुई। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन करेंगे कि जो जातिगत भेदभाव हमारे देश में होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रनाडे साहब, अम्बेडकर साहब, ऐसे तमाम जो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में जातिगत जो भेदभाव होते हैं उनको लेकर के बड़े आंदोलन चलाए, बड़ी चीजें की। तो यहां से निकल करके एक चीज आ रही थी हमारे देश के संविधान निर्माताओं के सामने कि हमारे देश में आज भी जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा होते हैं।
तो कोई ना कोई एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव के लिए या पर्टिकुलर एक कास्ट के आधार पे जो भेदभाव हो रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के लिए काम करें। तो इसी संदर्भ में जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने ही संविधान में ही एक प्रोविजन कर दिया था कि 338 आर्टिकल नंबर 338 के अनुसार, 338 के अनुसार के शेड्यूल कास्ट के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वो अधिकारी जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही शुरुआत में ही कर दिया गया था, राइट। तो अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 338 में, 338 में कौन से आर्टिकल में, मैं वापस से पेन ले लेता हूं। आर्टिकल 338 में 338 अनुच्छेद जो है, इस अनुच्छेद में पहले से ही ये प्रोविजन था, पहले से ही ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति जो है वो जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिकारी, ठीक है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा साहब? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा। देखो आप पेपर पेन लेकर के बैठे हैं और लिखते हुए चले इन चीजों को, समझिए आप, है ना, आप इन चीजों को लिखते हुए चले, ठीक है। तो भाई ये शुरुआत जो है वो हमारे संविधान में ही थी। अब हुआ क्या कि 1978 में, कब, 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव से एक व्यक्ति की नियुक्ति जो है इस संदर्भ में की जाने लगी, है ना, और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। काय के मंजूरी से? कैबिनेट प्रस्ताव से, मोरारजी देसाई की सरकार थी सब इस समय, है ना। तो किसकी स्थापना की गई? कैबिनेट प्रस्ताव से स्थापना की गई, कैबिनेट प्रस्ताव से स्थापना की गई, ठीक है। कौन थे इस समय मुख्यमंत्री? ठीक है, प्रधानमंत्री, सॉरी, ठीक है, 98 की बात है। अच्छा देखिए, और 1990 में संशोधन किया गया, 65वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन है, 65वें संविधान संशोधन से एससी और एसटी, है ना, एक एससी एसटी आयोग जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, एससी ऑब्लिक एसटी आयोग, ये दोनों एक ही आयोग थे पहले, ठीक है। अब एक टाइमलाइन और आप याद रखिएगा इसमें, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 89वें, 89वें संविधान संशोधन से कब, 2003 में एससी आयोग अलग कर दिया गया और एसटी आयोग अलग कर दिया गया, यानी एससी और एसटी आयोग दोनों अलग अलग कब किए गए, 2003 में एससी आयोग पृथक बना दिया गया और एसटी आयोग पृथक बना दिया गया, ठीक है। और इनकी व्यवस्था जो की गई वो की गई 338, इसमें किया गया जो है जाति आयोग, एससी आयोग, ठीक है, और 338 सबसेक्शन ए में किया गया एसटी आयोग, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, संविधान प्रावधान है इनके दोनों के,
इनको दोनों के बारे में आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसका टाइमलाइन आपको ध्यान रखना, शुरुआत में संविधान में जो शुरुआती संविधान था, ध्यान रखिए जो शुरुआती संविधान था उसमें किस तरीके से इनकी इनकी व्यवस्था की गई। 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव से क्या बनाया गया, 1990 में, 1990 में, 65वें संविधान संशोधन से कैसी क्या व्यवस्था की गई वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 338 इससे रिलेटेड है, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, 2003 में 89वें संविधान संशोधन से एससी और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन से एससी और एसटी को अलग किया गया, 2003वें संविधान संशोधन से एससी और एसटी दोनों को अलग किया गया, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो यहां तक की तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे इसका क्या काम पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना है ना, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, उस संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका, ये तीन सदस्यीय है। कैसा है, तीन सदस्यीय ऐसा। तो इसमें पहला जो ऊपर सदस्य होता है उसे बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। फिर जो है वो नीचे होते हैं इसका एक उपाध्यक्ष, एक होता है इसका। फिर इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं तीन सदस्य, ठीक है। तो एक होता है इसका अध्यक्ष, एक होता है इसका उपाध्यक्ष, और तीन होते हैं इसके मेंबर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके साथ जो आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि इसका जो अध्यक्ष होता है और इसका जो उपाध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। एक क्वेश्चन जो हर आयोग के बारे में पूछा जाता है, ये तो कार्यकाल हो गया है ना। अच्छा, ये तो कार्यकाल हो गया साहब, पर इसका, इनकी जो पुनर्नियुक्ति है वो हो सकती है तो कि नहीं हो सकती है, तो आप याद रखिएगा कि इनकी पुनर्नियुक्ति, इन्हें पुनः नियुक्ति हो सकती है ना, यानी ये अपने पद पर पुनर्नियुक्त यानी दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं। मतलब ये अपने पद पर दोबारा नियुक्त हो सकते हैं परंतु 2 बार से ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। ये अपने पद पर पुनर्नियुक्त हो सकते हैं भाई साहब, लेकिन ये अपने पद पर 2 बार से ज्यादा नहीं रहेंगे। देखो इसकी संरचना के बारे में मैं आपसे एक बार वापस से बात कर लेता हूं। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष का, पुनर्नियुक्ति हो सकती है पर 1-2 बार से ज्यादा नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। 2 बार मैक्सिमम ये बन पाएंगे, उसी पद पर ये 2 बार रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और विशेष जो ध्यान देने वाली है कि इसमें जो अध्यक्ष होता है, जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है, इस अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की जो है वो इसका दर्जा रहता है, ठीक
ठीक है, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा रखता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। याद रखिए, इसे किसका दर्जा प्राप्त रहता है? राज्य मंत्री, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो राज्य मंत्री के बराबर होती है ना। इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? राज्य मंत्री के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके काम देखते हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके कार्य समझते हैं हम लोग। कार्य क्या क्या कामकाज ही करता है। अच्छा, एक बात और है, इसका जो अध्यक्ष बनेगा ना, वो अनुसूचित जाति का सदस्य होगा, वही इसका अध्यक्ष बन पाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होगा वो इसका अध्यक्ष बन पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा एक। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य तो अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा। ठीक है, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना, ये इसका काम हो जाएगा साहब, है ना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऐसे विषयों की जांच करता है जिसमें अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन हुआ हो। ठीक है, अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन से संबंधित मामले, लिख लेना आप इसको, है ना, आप बिल्कुल लिखते जाइएगा, ठीक है ना, तो ये काम करता है। अच्छा, इसके अलावा ये अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किए गए कार्यों से संबंधित विषयों की जांच करता है और बेहतर तरीके से उनके क्रियान्वयन का काम करता है। यानी अगर कोई अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार कोई नियम कायदा कानून बना रही है तो उसकी भी जांच करता है कि उनके हितों का कहीं उनका टकराव तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई समस्या आ रही है। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी शिकायत किसके पास दर्ज करवा सकता है अनुसूचित जाति से संबंधित, है ना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण का काम करता है, उनके सामाजिक विकास का काम करता है, उनके आर्थिक विकास का काम करता है ना, उनकी विकास योजनाओं का काम करता है ना, तो विकास से संबंधित काम भी ये करता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, ये हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देता है, जिसे प्रतिवेदन कहा जाता है ना, ठीक है, जिसमें ये सुझाव देता है कि कैसे पर्टिकुलर इस कैटेगरी के व्यक्तियों की भलाई की जा सके, यानी ऐसे कौन कौन से उपाय होंगे जिनसे इस कैटेगरी के व्यक्तियों की भलाई हो, इनका सामाजिक उत्थान हो सके, इनका राजनीतिक उत्थान हो सके, माफ कीजिएगा थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, तो इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उनका उनका काम करने की ये कोशिश करता है। तो इस तरीके के काम ये करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अब आयोग की शक्तियों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं इस आयोग के पास जिनके बारे में ये काम करता है। देखिए, आयोग की शक्तियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आयोग की शक्तियां, देखिए, आयोग के पास जो है वो आप ये मान करके चलें कि एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं। किसकी हैं? ठीक है,
दीवानी अगर कल का आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि दीवानी न्यायालय क्या होता है ना। दीवानी न्यायालय मतलब कि सिविल कोर्ट, राइट। मैंने कल इसमें डिटेल में बताया भी था आपको। तो एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, जिस समय ये काम कर रहा होता है उस समय भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है ना, किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है। समन का मतलब होता है बुलाना, याद रखिएगा। समन कर सकता है, हाजिर करवा सकता है ना, किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से जो अभिलेख होते हैं उनको प्राप्त कर सकता है ना, किसी भी दस्तावेज को मंगवा सकता है, याद रखिए, है ना, किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है, याद रखिए, किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है, ये अधिकार भी इसके पास होता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे तमाम अधिकार इसके पास रहते हैं कि जिनमें किसी दस्तावेज को मांगना है, कोई काम करवाना है, इस तरीके के तमाम चीजें जो है वो इसके पास रहती हैं। अच्छा, अब ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को, याद रखिए। और राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपालों को भेजता है। अगर राज्य से संबंधित है तो देगा तो राष्ट्रपति को ही, पर राष्ट्रपति राज्यों राज्यपाल के पास भेजेगा। ध्यान रखिएगा, ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है वो इसे राज्यपाल के पास भेजता है, याद रखिए, है ना। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास भेजता है, ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात क्लियर भी हो गई, चीजें ठीक है, हमने इतनी समझ ली। राष्ट्रपति जब भी समझता, केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसको जो संसद होती है उस संसद में राष्ट्रपति ही रिपोर्ट रखवाता है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा आप अपनी इसमें, ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, इससे संबंधित कोई भी सिफारिश अगर होती है, जो हमारा एससी आयोग होता है, अब आपको पता है कि जितने भी आयोग होते हैं वो सब सिफारिश करते हैं, ऑर्डर तो दे नहीं सकते भाई, तो क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। तो राष्ट्र जो भी सिफारिश होती है इससे संबंधित, उस सिफारिश को अगर सरकार लागू नहीं करती है तो सरकार को बताना पड़ता है कि सरकार इस सिफारिश को क्यों लागू नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब अगर सरकार इसकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि सरकार इसकी सिफारिशों को क्यों लागू नहीं कर रही है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सब चीजें हैं इसके बारे में। एक पॉइंट जो इसके बारे में छूट रहा है, हम लोग उस पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2004 में एक संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद 12 जो है वो राज्य स्तरीय कार्यालय इसके बनाए गए। कितने? 12 राज्य स्तरीय कब स्थापित हुए राज्य स्तरीय कार्यालय? तो 2004 में। कब स्थापित हुए? 2004 में, ठीक है, 2004 में स्थापित हुए हैं, तो 12 स्थापित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, चंडीगढ़, तमिलनाडु, असम, केरल, ये 12 राज्य हैं। इन 12 राज्यों में जो है वो इसके कार्यालय स्थापित हुए हैं। नेट से आप सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से राज्यों में स्थापित हुए हैं, आप लिख लीजिएगा उनके नाम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी इसके बारे में, आयोग के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो कवर किया है, और हम लोग अगला लेक्चर जो होगा उसमें राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये लेक्चर आपका फिनिश हो गया है, लाइव लेक्चर आज नहीं लग पाया है, घर शिफ्टिंग का काम चल रहा है, इसलिए ये लेक्चर में लगभग दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन ही,
हो सकता है आपको YouTube पे मैं डाल दूंगा ये लेक्चर, तो आपको लाइव जैसी फीलिंग आएगी, लाइव चल जाएगा ये लेक्चर शाम को जो है 5-6 बजे के करीबन, ठीक है, 5 बजे के करीबन YouTube पे लाइव चला जाएगा ये लेक्चर, राइट। चलिए, थैंक यू।